और ये नवशक्ति ग्रामीण वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा है और यह फाइनल सुनगरी और गौरीखेड़ा के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें काफ़ी लंबी रैली के बाद यहां तक पहुंची हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। समय गौरीखेड़ा और सुनगरी दोनों ही टीमों के बीच में ये मुकाबला हो रहा है, आपस में मिलकर ये ओपन मैच भी खेलेंगे। बहुत ही अच्छी सर्विस, हल्की सर्विस से ये मारते हुए बहुत ही अच्छा ब्लॉक वहां बाहर निकल गई और एक अंक भी लिया, 3-3 बराबर। ये बहुत ही अच्छा शॉट, उतने अच्छी ब्लॉक यहां पर देखने को मिल रही है, धार धार की आवाज भी आ रही है शॉट में, और ये हल्का सा ड्रॉप डालते हुए कामयाब रहे, और ये नागरासा उनके हाथों में, और ये 4-3 का स्कोर, गौरीखेड़ा 4-3। और ये अच्छा सा ड्रॉप डालते हुए देखने को प्रदर्शन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत ही भारी शॉट मारते हुए ग्राउंड से बाहर, कोई मौका नहीं था उस समय गौरीखेड़ा की टीम को, यहाँ पर सुनकरी 4 गौरीखेड़ा 5, और यहाँ पर एक और मौका मिला है और ड्रॉप डालते हुए कामयाब हुए, सफल। और ये लुसेंग जा रहे हैं मस्ती में बिल्कुल अपनी, धीरे धीरे दोनों ही टीमें लंबा सफर तय करके आ रही हैं और ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और दोनों ही टीमें संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं और अपने अपने लक्ष्य की ओर जाने का प्रयास कर रही है। ये अच्छा विद्यालय के ग्राउंड में बैठे हुए, बनकटिया के विद्यालय ग्राउंड में बैठे हुए दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि धार धार की आवाज आए शॉटों की, ताकि वो पूरा आनंद ले अपने काम धाम को छोड़कर। अपनी 6-6 बराबर है और ये अच्छी सर्विस, अच्छा पास मारते हुए, लेकिन गेंद को उन्होंने बाहर पर, बहुत ही ध्यान देना होगा खिलाड़ियों को कि वो सही गेम खेले, और थोड़ी सी लापरवाही, एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती टीम को बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पर एक फिर मौका मिला गौरीखेड़ा को, देखना है उसका फायदा नहीं उठा पाए नहीं। 6 और ये अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा शॉट मारने का प्रयास था मिलेगा गौरीखेड़ा को, गौरीखेड़ा को फायदा हुआ और लगातार अभी 4 अंक से 3 अंक से बढ़त बना ली है गौरीखेड़ा की टीम ने, और यहाँ पर 7 का स्कोर, बढ़िया है टीमें हैं दोनों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर किया है उन्होंने, इसी वजह से ये फाइनल मैच खेल रहे हैं। बहुत दूर से शॉट मारा, युवा है और लंबे कद के खिलाड़ी हैं, गेंद को रोक लिया वहीं पर, ये बात हुए सुनकर की टीम ने टाइम आउट ले लिया है, टाइम आउट लिया, और इस मैदान पर खिलाड़ी पूरा अपना जोश खरोश के साथ खेलते हुए, और यहाँ पर मौका था यहाँ पर, लेकिन पूरा फायदा रखता दिया उसको हाथों पर ड्रॉप के रूप में, और गेंद को फील्ड करने में नाकामयाब रहा, यह अच्छा शॉट था, उतने अच्छे फील्डिंग थी, और ये हल्का सा ड्रॉप, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, फिर से ड्रॉप, देखना है यहाँ गौरीखेड़ा क्या करती है, मारा है हल्के से, और ये इसलिए खिलाड़ी दमखम लगाए क्योंकि बच्चा फाइल नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बढ़िया सर्विस, बढ़िया पास, देखना है क्या करते हैं, मारा है दौड़े लेकिन उठा लिया है, फील्ड हुई है गेंद, और ये बहुत ही भारी हाथ मारने की गलत मिला, 10-13 अंक अभी भी पिछड़ती हुई है, और ये कोने को मिल रहे हैं दोनों टीमों के जरिए, ये ड्रॉप डालने वक्त डाला और अच्छा, यहाँ पर फिर से मौका हो सकता है सुनकरी को, देखना है, और उसका पूरा फायदा भी उठा लिया उन्होंने, और ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छी जगह पर, और सिंगल में ठीक है, और ये मौका बहुत ही अच्छा मारकर अंक लिया जाए, अगर मौका मिले ड्रॉप डाल के ही, तो वहां पर मौका पूरा उन्हें फायदा उठाया था, और ये देखना है यहाँ पर क्या होता है, और ये ड्रॉप डालते हुए, और ये फिर से ड्रॉप, दोनों ही टीम लगातार ड्रॉप डाल रही, ये शॉट मारा और निकाल दिया, और ये
बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा शॉट बाहर से निकल गई और ये लंबे करके खिलाड़ी जाने नहीं दे रहे गेंद को और अच्छा ब्लॉक किया यहाँ पर और यही काश सर्विस चेंज वाला मैच होता तो ये अंक कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन ये टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल में जो फील्डिंग जिसने कर लिया सही वो पहुंच जाती है और यहाँ पर ये अच्छी सर्विस और ये फिर 15 उम्मीद दर्शक कर रहे थे अभी वो बिल्कुल सुस्त दर्शक बैठे में छाया हुआ है और दर्शक उम्मीद कर रहे हैं धार धार की आवाज लगे। शॉट टूर्नामेंट जो हुआ था और जिसमें धार धार से शॉट लग रहे थे शायद उसी का अभी रंग फीका चला है और ये अच्छा शॉट और ये अच्छी सर्विस बहुत ही हल्की सर्विस बहुत ही अच्छा मारने का प्रयास था लेकिन कुछ जंप लेना था वो जजमेंट पूरा नहीं ले पाए और ये ड्रॉप डालते हुए यह मौका हो सकता है तुम करीब को देखना है मारा उसको निकाल दिया है गेंद को जड़ी लग चुकी है आप देख सकते हो बड़ी बड़ी ट्रॉफियां हैं फाइनल के विजेताओं के लिए और दर्शकों की संख्या तो अब 1.5 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच गई है चारों तरफ दर्शक ही दर्शक और ये टाइम आउट समाप्त होता हुआ जोर लगा दिया था पूरी ताकत लगा दी थी उसके और ये आज देखना है यहाँ मौका हो सकता है मौका मिला ही होती है और भारी भरकम हाथ उस पर मारते हुए सर पर और ये अच्छा ब्लॉक था लेकिन उनकी टीम को और ये सेट पॉइंट होता हुआ और खेला की ओर से दिया है और ये पॉइंट है देखना है सुनती रोक पाती नहीं रोक पाती और ये मारते हुए पूरा प्रयास इनसे यहाँ पर होता है पॉइंट अभी भी सुनकरी के पीछे है और ये मैच फील्डर को पता ही नहीं पहला सेट और खेड़ा ने अपने नाम किया कंधे पे मार के ये भी नहीं पता चला था लेकिन और ये दूसरा सेट शुरू होता हुआ फाइनल मुकाबले का पहला सेट गौरी खेड़ा ने अपने नाम किया है और गेंद और ये यहाँ पर दोनों ही टीमों के जरिए सुनकरी के तरफ से सर्विस अच्छी सर्विस अच्छा पास और ये थोड़े से दूर रह गए थे कोई ना कोई ये बहुत ही अच्छा मौका मिला था सिंगल ब्लॉक थी सिंगल ब्लॉक को अकेले अकेले टीम के शॉटर हुआ करते थे और दो दो तीन तीन ब्लॉकों को कार्ड उन्होंने मारा था और ये अच्छी सर्विस बहुत ही अच्छा शॉट और यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग हो गई है मौका मिला है यहाँ पर और ये फिर से गेंद हवा में है गेंद अभी नहीं गिरा और ये अच्छा ड्रॉप डालते हुए परिचय देते हुए और अपनी टीम के लिए अंक लिया है ये और ये ड्रॉप डाल लिया है इन्होंने करते हुए गेंद मैच पुनः आरंभ होते हुए हल्की सर्विस देते हुए अच्छी और ये पूरा अच्छी और लगभग लगभग दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अच्छी सर्विस देते हुए हल्की हल्की सर्विस देते हुए और ये बहुत सर्विस देते हुए और ये फिर से फील्डिंग होगी मौका हो सकता है बहुत ही टप्पा गेंद मार दी हवा की तरह और टप्पा खिला के मार दिया उस गेंद को और यहाँ पर अच्छा 6-9 का स्कोर अभी भी 3 अंक के पीछे सुन करिए और यहाँ पर जरूर कोई ना कोई खिलाड़ी 10-6 का स्कोर है ये दर्शकों की याद आ रही है दर्शकों की तरफ से ये अच्छी सर्विस देखना है क्या है दर्शक जोर दिला रहे हैं खिलाड़ियों को और ये मारते हुए 7-11 का स्कोर और यहाँ देखना होगा ये मारा था बहुत जबरदस्त और पता भी नहीं चला किसी को चीटी बजी रनिंग करना ही होगा और ये बहुत ही हल्की अच्छी सर्विस अच्छा पास दूर से मारा और मारने में कामयाब अच्छा
और ये देखना है यहाँ पर अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाए और ये बहुत ही जोरदार मैच चलता हुआ। फिलहाल हावी हो गई है गौरी खेड़ा सुंदरी के ऊपर और अब धीरे धीरे दर्शकों की संख्या 3 करोड़ पार करने वाली है। खिलाड़ी नहीं है हर तरफ यंग लड़के दर्शक ही दर्शक बहुत ही हेल्दी शरीर हो गया है लेकिन उनके शरीर को देखते हुए मारने का और ये अच्छी सर्विस ड्रॉ बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पर और फिर से देखना है ये मारते हुए खिलाड़ी बहुत ही अच्छी फील्ड वहां हुई है बहुत ही अच्छा फिर से प्रहार यहाँ पर फिर से मौका मिला है फिर से धार धार अभी भी ये हवा में है अच्छी रैली जिस प्रकार से टेनिस में चलती है वैसे यहाँ पर भी अच्छी रैली निकल रही है और ये महादेव की बस रैली है 15-9 और ये अच्छा शॉट था अच्छी फील्डिंग हो गई है और ये खाली जगह में चली गई तो देखना है बहुत ही अच्छी ब्लास्ट और फायदा भी हो गया ग्राउंड से बाहर चली गई और ये कारगंज और बाबा क्लब पहनिया दोनों ही टीमें तैयार रहे हैं ओपन टूर्नामेंट को खेल रहे हैं और ये ड्रॉ और यहाँ पर मौका था और वहीं पर सर पर रटिया ऐसी दीवार बना के वहां पर खड़े हो गए 12-18 का स्कोर बोर्ड में अंक दिख रहा है अंतर है और फिर से अंक ले लंबा सफर तय करके दोनों ही टीमें आई फाइनल मैच खेल रही हैं और एक सेट गोरी खेड़ा ने जीत लिया है दूसरे सेट में लंबी बढ़त बना टीम और गोरी खेड़ा की टीम जबरदस्त इस समय से ये भी बाहर मार बाबा क्लब पहनिया टीम दोनों ही तैयार रहे समय को न गवाते हुए गोरी खेड़ा की टीम और फिर से है वहां पर तालमेल की कमी ये देखना है क्या करते हैं और यहां पर संघ से पिछड़ती हुई अभी एक तरफा मैच बना दिया गोरी खेड़ा ने और ये अच्छी ब्लॉक एक अंक ताकि आगे पीछे चलते और ये मौका नहीं दिया कोई मौका दिया और ये गेम पॉइंट है और देखना है ये रोक लिया है उसको और इसी के साथ ये फाइनल गौरी खेड़ा ने जीत लिया है फाइनल की विजेता गौरी खेड़ा की टीम रही देखो कैसे हैंडशेक कर रहे हैं बहुत ही खुशी की बात है और आप इस वक्त ये वीडियो फुकरे चैनल में देख रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर भी करें धन्यवाद।